नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं फार्मट्रैक का नया 45 क्लासिक सीरीज, जो आता है 3440 सीसी इंजन के साथ एक्स्ट्रा टॉर्क इंजन, क्योंकि ये पूरा 48 एचपी कैटेगरी में आता है। यही नहीं, स्टाइलिंग की अगर बात करें तो हम इसको बोलते हैं क्लासिक प्रो, क्योंकि इसके अंदर आता है सिंगल पीस बोनेट जाड़ा शीट मेटल के साथ। आगे ही नहीं, पीछे फेंडर भी अगर देखोगे तो स्टाइलिश फेंडर आता है जाड़ा शीट मेटल के साथ। फार्मट्रैक 45 क्लासिक निर्यात है 54 देशों में। अंदर अगर आप इंजन देखोगे तो 3 सिलेंडर का 3440 सीसी इंजन AVL टेक्नोलॉजी के साथ आता है। शक्तिशाली, कम डीजल की खपत, मेंटेनेंस ना के बराबर। साथ ही साथ इनलाइन माइको बॉश का पंप मिलता है और पंप मेंटेनेंस फ्री रहे। साथ में हम वाटर सेपरेटर भी प्रदान करते हैं। इंजन को ठंडा मेंटेन रखने के लिए कारो वाला कूलिंग सिस्टम, रिकवरी बोतल प्रदान करते हैं। बाहर से ही इसकी वाटर लेवल या कूलेंट लेवल आप मेंटेन कर सकते हो। और बगल में आप देख सकते हो सेपरेट ऑयल टैंक है पावर स्टेयरिंग के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमने बैलेंस टाइप नए टेक्नोलॉजी वाला पावर स्टेयरिंग दिया है, उसको मेंटेनेंस फ्री करने के लिए ये सेपरेट ऑयल टैंक हम प्रदान करते हैं, ताकि पीछे गियरबॉक्स का ऑयल या बैकेंड का ऑयल आप पावर स्टेयरिंग में इस्तेमाल ना करोगे। और ये तेल इस्तेमाल करने से पावर स्टेयरिंग सालों साल मेंटेनेंस फ्री रहेगा। फ्रंट एक्सल सपोर्ट की बात करें तो ये आता है पूरा का पूरा कास्ट आयरन सपोर्ट, इंजन बेड से आगे फ्रंट एक्सल तक पूरा 110 किलो का आता है, ताकि ट्रैक्टर की बैलेंसिंग बना रहे। इसके हेडलाइट की अगर बात करें, चारों तरफ आपको 8 LED मिलते हैं, साथ में हैलोजन बल्ब और मल्टी रिफ्लेक्टर के साथ, ताकि दूर की रोशनी आपको आसानी से दिखे। हाईवे में काम करो या कोरे में काम करो, बढ़िया काम करेगा। फ्रंट एक्सल की अगर बात करें तो हम इसमें प्रदान करते हैं फ्लेक्सी एक्सल, मतलब रो क्रॉपिंग के लिए बहुत कारगर होता है। जैसे कि आलू, कपास वगैरह खेत के अंदर आप इंटर कल्टीवेशन पानी बहाने के लिए मेड बनाना हो गया या खरपतवार हटाने के लिए हो गया, रो क्रॉपिंग में इसको एडजस्ट करके आप चला सकते हो। इसके अंदर हमने 6.5-16 के बड़े टायर दिए हैं, ताकि हैवी ड्यूटी काम करने में आसानी हो। इसके अंदर जो फिल्टर्स आते हैं, ये स्पेशल फिल्टर आते हैं और ये बदलते हैं पूरे 500 घंटे अंतराल में। इसका मतलब पूरी सीज़न आप काम कर लो, बीच में तेल बदलना, फिल्टर बदलने की ज़रूरत नहीं आती है। साथ ही साथ जो इसके अंदर इंजन हम प्रदान करते हैं, फुली लिक्विड सील्ड इंजन आता है जो लीक प्रूफ है। इस ट्रैक्टर में प्रदान होता है डुअल क्लच, माने एक ही क्लच पेडल के अंदर दो क्लच प्लेट का ऑपरेशन। जब मैं आधा दबाता हूँ तो ट्रैक्टर चल रहा है तो रुक जाएगा, पूरा दबाता हूँ तो PTO चल रहा है तो वो भी रुक जाएगा। इसके अंदर गियरबॉक्स की अगर बात करें तो फुली कॉन्स्टेंट मैश 8+2 गियरबॉक्स है, मतलब आगे जाने के लिए 8 गियर, पीछे जाने के लिए 2 गियर। इसके अंदर प्रदान होता है मल्टी स्पीड MRPTO, माने 540 चक्कर तो आपको मिलते ही हैं, साथ ही साथ आपको पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे गियर के अंदर अलग अलग स्पीड भी प्राप्त होते हैं ज़रूरत अनुसार। साथ ही साथ अगर आपने रिवर्स गियर डाला तो PTO उल्टा भी घूमता है, जहां पर थ्रेशर या रीपिंग का काम कर रहे हो, कुछ फंस गया तो उल्टी गियर डालो, फंसी हुई चीज़ बाहर आ जाती है। सेफ्टी के तौर पर इसके अंदर ट्रांसपोर्ट लॉक प्रदान होता है और सेफ्टी न्यूट्रल स्विच भी प्रदान होता है। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको दो मेन हाइड्रोलिक लीवर प्राप्त होते हैं, एक ऑक्सिलरी लीवर भी प्राप्त होता है। जो ऑरेंज कलर का हाइड्रोलिक लीवर है, इसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट लीवर। इसको आप इस्तेमाल करोगे जब भी ADDC सेंसिंग की ज़रूरत हो, जैसे कि प्राइमरी उपकरण जो ज़मीन के भीतर काम करते हैं, MB प्लो, कल्टीवेटर या डिस्क प्लो। जो काला लीवर है फेंडर की तरफ, इसको बोलते हैं पोजीशन लीवर। इसमें जो सेकेंडरी उपकरण है उसको चलाने में कारगर है, जैसे कि लेवलर, रोटोवेटर या बीज बोने वाला मशीन। इन दोनों लीवर को मिक्स करके भी चला सकते हो, हम उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग या मिक्स कंट्रोल। जब भी नमी ज़्यादा है ज़मीन में या रेतीली है तो बहुत मददगार रहता है। और जो तीसरा लीवर है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी लीवर। जब भी आप पीछे QRC कपलर में टिपिंग ट्रॉली लगाया हो, उसको उठाना है, गिराना है, उसके लिए बहुत मददगार रहेगा। इस ट्रैक्टर के अंदर बड़े टायर मिलते हैं 14x28 के, ताकि आप खेती का काम भी करो, ढुलाई का भी काम आसानी से कर सको। ये ट्रैक्टर आता है पूरे 5 साल वारंटी के साथ, ये बोलते ही नहीं, लिख के भी हम देते हैं, ताकि किसान
बेफिक्र होकर इस ट्रैक्टर को हर उपकरण में चलाते रहे। साथ ही साथ इसकी बैकेंड की अगर बात करें तो ये आता है हैवी ड्यूटी क्राउन व्हील पिनियन सिंगल रिडक्शन के साथ और फ्लैट बैकेंड, ताकि कोई भी ट्रॉली हो या कोई उपकरण हो, जैसे ज़रूरत अनुसार हाइट पे आप आसानी से एडजस्ट करके चला सकते हो। और हाइड्रोलिक्स की अगर बात करें तो इसमें दो सेंसिंग पॉइंट वाला हाइड्रोलिक्स प्राप्त होता है। अगर ऊपर की पॉइंट पे टॉपलिंक लगाते हो तो सॉफ्ट सॉइल के लिए, नीचे के पॉइंट में टॉपलिंक लगाते हो तो ये होता है हार्ड सॉइल के लिए। जैसे ज़मीन है वैसे ये हाइड्रोलिक सेंस करके काम करेगा। साथ ही साथ लिफ्ट कैपेसिटी की अगर बात करें तो लोअर लिंक में आपको प्राप्त होता है पूरा का पूरा 1800 किलो लिफ्ट कैपेसिटी। इस एचपी श्रेणी के अंदर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आगे बताया था, ऑक्सिलरी लीवर के साथ टिपिंग ट्रॉली का आप उपयोग कर सकते हो। जो टिपिंग ट्रॉली का हाइड्रोलिक होस होता है वो यहाँ आप QRC कपलर में आसानी से जोड़ सकते हो या उतार भी सकते हो। और ट्रॉली के काम के लिए इसके अंदर हमने स्पेशल कोरियन डिस्क वाला OIB ब्रेक, तेल में डूबे ब्रेक दिए हैं। वो लंबा उम्र चलेगा, मेंटेनेंस फ्री चलेगा। एक खास चीज़ मैं बताना पसंद करूँगा, वो है केयर डायरेक्ट 24/7, मतलब 2400 घंटे फार्म ट्रैक आपकी सेवा में तैनात रहता है। साथ ही साथ आप जब भी कंपनी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहो तो एक बटन के साथ आप डायरेक्ट कंपनी को कनेक्ट कर सकते हो। तो देर किस बात की दोस्तों, आइए खुद ट्रैक्टर को चलाइए और सारी फीचर को आजमाइए। धन्यवाद।